नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर्ष द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑफ 1962 क्या है? ये केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑफ 1962 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी जनरल स्टडीज पेपर टू के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के रिस्पेक्ट से। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है ही, कहीं ना कहीं ये डील करता है विद सेक्शन 125A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 124A सेडिशन के साथ ही डील करता है। 1962 की घटना है और बेसिकली इस जजमेंट को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैश किया गया विनोद दुआ के किस्से में। अभी ये विनोद दुआ वाला मैटर क्या है ये मैं आपको फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली करंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में बहुत आपसे बातचीत करी है। अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिंक पे जाओ। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वहाँ से आप इस आर्टिकल को प्रिंट मार सकते हो। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो विनोद दुआ वाला केस क्या है ये भी आपको मिलेगा, केदारनाथ जजमेंट क्या है ये भी आपको मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया ये भी आपको मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ केदारनाथ जजमेंट समझाने वाला हूँ कहानी की तरह से, क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे केस क्या था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1962 की घटना है और 1962 में पूरे देश में सबसे डोमिनेंट सरकार किसकी थी तो ये बताना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये जो केदारनाथ सिंह के जो शख्स थे ये फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे बिहार में, और बिहार में 1953 में आप देखोगे कि ह्यूज रैली एड्रेस कर रहे थे। तो घटना 1953 की है, उस रैली में देखिए उन्होंने क्या बोला। टुडे द डॉग्स ऑफ सीबीआई आर लॉयटरिंग अराउंड बरौनी एंड बेगूसराय, मेनी ऑफिशियल डॉग्स आर सिटिंग इवन इन दिस मीटिंग, द पीपल ऑफ इंडिया ड्रोव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री एंड इलेक्टेड दिस कांग्रेस गुंडास टू द गद्दी, एज वी ड्रोव आउट ब्रिटिश वी शैल स्ट्राइक एंड ड्राइव आउट दिस कांग्रेस गुंडास एज वेल। They have today established a rule of lathis, bullets in the country. We believe in revolution will come, and in the flame of which capitalist zamindars and Congress leaders will be reduced to ashes, and on their ashes will they establish a government of poor and downtrodden people of India. क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि भाई CBI के dogs, मतलब क्रूड शब्द कुत्ते, यहाँ बेगूसराय में आसपास घूम रहे हैं और बहुत सारे CBI के डॉग्स इस मीटिंग में भी घूम रहे हैं। कुल मिला के हो सकता है कि उस समय पे बिहार में केंद्र सरकार ने CBI डिप्यूट कर रखी हो और वो CBI कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को पकड़ रही हो, उनके लीडर्स को पकड़ रही हो, तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे CBI को कुत्ता बोल दिया इन्होंने। फिर इन्होंने कांग्रेस के लीडर को गुंडा बोला, यहाँ पे बोला कि ब्रिटिशर्स गुंडे थे उनको बाहर निकाला तो अब कांग्रेस वाले आ गए हैं, ये कांग्रेस वाले लाठी और गोलियों से देश पे कब्जा करना चाहते हैं, तो अब हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आएंगे जिससे इन कैपिटलिस्ट को, इन जमींदार को और इन कांग्रेस के गुंडों को हम ख़त्म कर देंगे और फाइनली लोगों की एक सरकार बनेगी जहाँ पर गरीब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये कम्युनिस्ट वाला व्यू पॉइंट है और ये है भी आपके फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के। इस प्रकार का ही व्यू पॉइंट के दम पे माओ ज़ेडोंग जैसे लीडर्स आगे बढ़े हैं। अब जब ये स्पीच यहाँ पे इन्होंने दी तो केस देखिए जुडिशरी में तो पहुँचना ही था। आप देखोगे कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बिहार ने इनको कन्विक्ट किया और इनको जेल की सजा सुनाई 3 साल की। ये कन्विक्टेड पाए गए, मतलब कि इनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगे और इनको दोषी करार दिया गया। किसको? केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह ने पटना हाई कोर्ट में अपील की, पटना हाई कोर्ट में उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। फिर केदारनाथ सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में जाके केदारनाथ सिंह ने बोला कि देखिए सेक्शन 124A का वायलेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ये मेरे आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। मतलब सेक्शन 124A के अंदर और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A और सेक्शन 505 के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया था केदारनाथ सिंह के ऊपर। तो यहाँ पे केदारनाथ सिंह के जो वकील थे उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 124A है और 505 है वो कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट की जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 उसको वायलेट करते हैं। ये किसने बोला? केदारनाथ सिंह के वकील ने। अभी आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ये बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, दिस राइट्स इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक रिसीव एंड इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। मतलब सबके पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं और उनके बोलने के आधार पर, उनकी बोली हुई चीज़ों के आधार पर उनको जेल में नहीं बंद किया जा सकता। तो ठीक है भाई, दोनों तरफ से राय आ चुकी थी, सेक्शन 124 से और 505 का इल्ज़ाम लग चुका था केदारनाथ सिंह के ऊपर और केदारनाथ सिंह के वकील बोल रहे थे कि ये मेरे क्लाइंट के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को वायलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला, कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे सेटअप किए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई एक इंडिविजुअल एक ऐसा एक्ट करता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सबवर्ट करने की धमकी हो रही हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार थी, अभी इस सरकार को सबवर्ट करने की अगर आप बात करोगे और किसके थ्रू, वायलेंट मीन्स के थ्रू, पब्लिक ऑर्डर के थ्रू, तो अगर आप बोल के या लिख के
वायलेट मीन्स या पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट कर रहे हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को हटाने के लिए, तो आप सेडिशन से रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। और यहाँ पे केदारनाथ सिंह ने क्या बोला कि कैपिटलिस्ट कांग्रेसीज ये गुंडा हैं, इनको हम एशेज में रिड्यूस कर देंगे, मतलब कॉम्पेंडियसली मतलब एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिवली बोला, अपनी बात भी बोल दी लेकिन बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोल दी कि हाँ भाई हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो रेवोल्यूशन की जो बात यहाँ पे करी थी ना केदारनाथ सिंह ने, ये रेवोल्यूशन क्या दिखा रहा था, ये रेवोल्यूशन वायलेंट मीन्स को ही दिखा रहा था। इसका क्या मतलब है कि आप कैपिटलिस्ट को और कांग्रेस के गुंडों को एशेज में मिला दोगे, इसका मतलब तो यही है ना कि आप मार दोगे उनको, और कैसे मारोगे, रेवोल्यूशन के थ्रू मारोगे। चाइना में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें क्या हुआ था, काट दिया गया था लोगों को, तो क्या यहाँ पर भी यही काटाकाटी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे केदारनाथ सिंह ने ये जो रेवोल्यूशन और जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे केदारनाथ सिंह के ऊपर सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो सही प्रूव हो रहे थे। लेकिन अब समझिए, ये जो पर्टिकुलर केस था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सिर्फ केदारनाथ सिंह के अगेंस्ट लगे सेडिशन चार्जेस के रिस्पेक्ट में नहीं था, बहुत सारे और भी केसेस इंडिया में चल रहे थे जहाँ पे सेडिशन की बातचीत हो रही थी, और उन सेडिशन के केसेस को भी इस केदारनाथ सिंह केस के साथ क्लब कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के रिस्पेक्ट में अपना व्यू पॉइंट सुनाया वो सिर्फ केदारनाथ के ऊपर अप्लीकेबल नहीं था, वो जितने भी उस समय पे केसेस चल रहे थे इंडिया में सेडिशन के, उन सब के ऊपर अप्लीकेबल था। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ साफ शब्दों में बोल रहा है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हो, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ करते हो इस सेंस में कि सरकार के काम करने के तरीके में आप इम्प्रूवमेंट या अल्टरेशन लाना चाहते हो, तो उसको सेडिशन नहीं बोला जाएगा। अगर आप सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हो और उस निंदा को आप किसी प्रकार के वायलेंस से नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार के पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके नहीं कर रहे हो, तो आपको पूरा हक है कि आप सरकार की निंदा कर सकते हो और आपको कोई रोक नहीं सकता, ना ही आपके ऊपर कोई सेडिशन का इल्ज़ाम लगा सकता है। केदारनाथ सिंह ने तो सीधे सीधे मारने की धमकी दी थी रेवोल्यूशन से, तो उनकी जो अपील थी वो यहाँ पर डिसमिस कर दी गई। लेकिन बाकी जो केसेस थे सेडिशन के, उसके रिस्पेक्ट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलने मतलब कि आप काम सही से नहीं कर रहे, अपना काम सही से करिए, ये पॉलिसी आपकी गलत है इसको ठीक करिए, और कड़े शब्दों में अगर आप निंदा करते हो सरकार की पॉलिसी इंप्रूवमेंट के लिए, पॉलिसी अल्टरेशन के लिए, तो उसको सेडिशन नहीं बोला जा सकता और उसके ऊपर कोई भी पीनल ऑफेंस नहीं आएगा। बट अगर कोई पब्लिक डिसऑर्डर के थ्रू, वायलेंस के थ्रू सरकार को पलटने की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं केदारनाथ सिंह कर रहे थे, तो उसको सेडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये जो सेक्शन 124A है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसका बहुत लिमिटेड जगहों पर इस्तेमाल करना है, मतलब वो लोग जो सरकार को इस हद तक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वायलेंट तरीके से पब्लिक डिसऑर्डर के थ्रू सरकार को हम गिरा देंगे, इस प्रकार की चीज़ को ही सेडिशन बोलोगे। सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज़ भर कर दो आप पॉलिसी के लिए या किसी अल्टरनेटिव के लिए, तो उसको सेडिशन नहीं बोला जाएगा। दिस इज केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑफ 1962। ये जजमेंट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, अपने दोस्तों को इन वीडियोज़ के बारे में बताएं, अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की PDF भी मिलती रहेगी, मेरे वेबसाइट्स के लिंक भी मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के।